चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क नहीं हो सका है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन यहीं पर पूरा हो गया है। इससे पहले 3 सितंबर 2023 मिशन का सबसे खास हिस्सा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया था। वहीं इसके अगले दिन 4 सितंबर को विक्रम लैंडर स्लीप मोड में चला गया था। इससे पहले रंभा एलपी और आईएसएलए पेलोड ने नई जगह पर इन सीटू प्रयोग किए थे। तब एजेंसी ने बताया था कि पेलोड बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं लैंडर रिसीवर चालू रखे गए थे। एक बार सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सोएगा। तब इसरो ने कहा था कि 22 सितंबर के आसपास उनके जागने की उम्मीद है। हालांकि एजेंसी के पूर्वानुमान के मुताबिक ऐसा अब तक नहीं हुआ है। पूर्व में अंतरिक्ष एजेंसी ने स्लीप मोड प्रक्रिया की शुरुआत के दौरान कहा था कि फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सोलार पैनल 22 सितंबर को अगले अपेक्षित सूर्योदय पर रोशनी हासिल करने की प्रतीक्षा में है। साथ ही साथ रिसीवर भी चालू रखे गए हैं। एजेंसी ने कहा था कि असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए रोवर के जागने की उम्मीद है। इसी दौरान इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के ना जागने की स्थिति में अगले कदम के बारे में भी बताया था। इसरो ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये हमेशा के लिए चांद पर भारत द्वारा भेजे गए एक दूत के रूप में वहां रहेगा। आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला मिशन है। इस मिशन में शामिल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के दोबारा नहीं जागने के कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया था। ये 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। 30 सितंबर को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि नई सुबह होने पर वो चंद्रयान के लैंडर और रोवर को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर को 4 सितंबर को निष्क्रिय कर दिया गया। इसरो ने कहा था कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है, इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मोड में सेट किया गया है। APXS और LIBS पेलोड बंद हैं। वर्तमान में बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को फिर से चालू हो जाएगा और रिसीवर भी चालू रखा गया है। बता दें कि लैंडर और रोवर को हमारी पृथ्वी के 14 दिन यानी कि चंद्रमा पर एक दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि दोनों 12वें दिन ही स्लीप मोड में चले गए। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली थी। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का एक अगला चरण है, जिसने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक परीक्षण किया। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और योजना के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस मिशन से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश कहलाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।